इंग्लिश। सो गाइज आज का जो वर्ड है हमारा रिजॉर्ट टू, ठीक है। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है एट लास्ट किसी चीज़ का सहारा लेना, ठीक है। आपने पहले बहुत काम कर लेना, देखना कि नहीं हुआ तो फिर दूसरी चीज़ का सहारा लेना, तो बोलते हैं फिर मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। ये कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने बोला आई कुड नॉट स्लीप फॉर पास्ट 3 डेज, मैं पिछले 3 दिनों से सो नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ा, अब इस चीज़ का सहारा लेना पड़ गया। इवेंचुअली, इवेंचुअली मिस होता एट लास्ट, ठीक है। आई हैड टू, मुझे क्या करना पड़ा है, सहारा लेना पड़ा। आई हैड टू रिजॉर्ट, रिजॉर्ट टू किस चीज़ का सहारा लेना पड़ा, स्लीपिंग पिल्स का, ठीक है। स्लीपिंग पिल्स मिस होता है नींद वाली गोलियाँ। मुझे 3 दिन से नींद नहीं आई तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ा, नींद वाली गोलियों का सहारा लेना पड़ गया, ठीक है। तो रिजॉर्ट टू का मतलब होता है जब लास्ट में आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़े, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ यू डोंट रिटर्न हिज मनी, अगर आप हिज मनी, अगर आप उसका पैसा नहीं लौटाते हैं तो वो क्या करेगा, ही विल, उसको सहारा लेना पड़ेगा। ही विल हैव टू रिजॉर्ट, रिजॉर्ट टू किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, लीगल एक्शन का, कानूनी कार्रवाई का उसे सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजॉर्ट टू का मतलब होता है एट लास्ट आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ जाए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ही डिड नॉट हैव मनी, तो किसका सहारा लेना पड़ा, उसने सहारा लिया। ही रिजॉर्टेड टू बैगिंग, ठीक है। अगर कोई भी वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो उसे भीख का सहारा लेना पड़ गया, ठीक है। तो गाइज ओवरऑल रिजॉर्ट टू का मतलब होता है फाइनली किसी लास्ट में किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे बोलते हैं किस चीज़ का सहारा लेना पड़ा। अब जैसे कि आज जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें आ रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था बीजेपी इज़ रिजॉर्टिंग, तो बीजेपी सहारा ले रही है। बीजेपी इज़ रिजॉर्टिंग टू न्यू मेथड्स, नए नए तरीक़ों का बीजेपी सहारा ले रही है। क्या करने के लिए, टू राहुल की आवाज़ दबाने का, ठीक है। थ्रॉटल, ठीक है। थ्रॉटल मिस होता है चोक करना, आवाज़ दबाना, ठीक है। थ्रॉटल राहुल्स वॉइस, ठीक है। तो ये राहुल गांधी है उनका, ठीक है। तो रिजॉर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना एट लास्ट, ठीक है, कुछ करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ गाइज ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और एक एग्जांपल मैं इसका कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप बनाने की कोशिश कीजिएगा इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।